Hey guys, welcome or welcome back to Ria Study. I hope you all are doing great. So today I'm going to explain the most wonderful and most important poem that is by P.B. Shelley, and I know it's a little difficult, but I'll try my best to explain you that. Okay, so I'm going to translate it in Hindi. Okay, so let's get started. देखिए पी बी शैली जो है उन्होंने इस पोम को लिखा है ओ टू द वेस्ट विंड ठीक है आप सभी को पता है और ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल पोएम है आपको लगता होगा आपने इसके जो वर्ड्स होंगे उनको देखा होगा बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है लेकिन आप इस चैनल पर आ गए हैं अब कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि मेरी सारी वीडियोज़ जो हैं जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी होंगी आज तक या नहीं देखी अब तक तो जल्दी से जाके देखिए तो किसी भी वीडियो में किसी भी पोम में किसी भी ट्रांसलेशन में आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा ये मेरी गारंटी है ठीक है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें इस पोम को कंपोज कब किया गया था कहाँ किया गया था ठीक है सो इट वॉज कम्पोज इन द ओटम ऑफ एटीन नाइनटीन एट फ्लोरेंस फ्लोरेंस एक जगह का नाम है ठीक है फ्लोरेंस क्या है फ्लोरेंस इज अ प्लेस ठीक है फ्लोरेंस एक जगह है और यहाँ पर क्या किया गया था इसको कंपोज़ किया गया था फ्लोरेंस जो है कहाँ पर ही इटली में है तो यहाँ पर इसको एटीन नाइन्टीन के टाइम ओटम सीजन में इसको क्या किया गया था कंपोज किया गया था एंड इसको पब्लिश किया गया है एटीन नाइन्टीन एटीन ट्वेंटी में इसको क्या किया गया है पब्लिश किया गया है और इन्फ्लुएंस किससे है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सभी को पता होगा लिटरेचर के स्टूडेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था सेवनटीन एटी नाइन में एक तरह से बहुत बड़ा यानी मेजर इवेंट था ये वर्ल्ड हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन उससे इन्फ्लुएंस है उससे प्रभावित है ये पोम इसका फॉर्म की बात करें अगर तो ये ऑर्ड के रूप में लिखी गई है फॉर्म क्या होता है जैसे कोई सोनेट होती है कोई एलिजी होती है ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इनके जो होता है फॉर्म होते हैं तो ये एक ऑर्ड के रूप में लिखी गई है ऑर्ड क्या होता है ऑड इज अ लॉन्ग लिरिकल पोम ठीक है तो ओड के रूप में इसे कंपोज किया गया इटालियन वर्ड्स एक इटालियन वर्ड्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं टर्जा रीमा टर्जा रीमा यानी होता है जो कि फोर्टीन लाइन्स का होता है ठीक है और यहाँ पर फोर्टीन लाइन्स के आपको फाइव स्टेंजा मिलेंगे यानी वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर फाइव स्टेंजा मिलेंगे और जो है फोर्टीन फोर्टीन लाइन्स के आपको फाइव स्टेंजाज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है फोर्टीन फोर्टीन लाइन्स के आपको यहाँ पर फाइव स्टेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आगे बात करते हैं स्टेंजा फॉर्म की अगर हम बात करें ठीक है इसके स्टेंजा फॉर्म यानी कैसे स्टेंजा फॉर्म होते हैं आपको अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की इजिली तो इससे आपको क्या होगा समझने में आसानी रहेगी ठीक है तो अगर हम बात करें इसके स्टेंजा फॉर्म की तो देखिए जनरली क्या होता है कि टू लाइन के होते हैं कपलेट आप सभी को पता होगा टू लाइन के क्या होते हैं कपलेट होते हैं और थ्री लाइन की बात करूँ तो टर्सेट होते हैं थ्री लाइन को हम क्या बोलते हैं टर्सेट बोलते हैं फोर लाइन को हम बोलते हैं क्वेटिन एंड फाइव लाइन को बोलते हैं क्विंटेन एंड सिक्स लाइन को सेस्टेट सेवन को राइम रोअल एट को ऑप्टिक

ठीक है तो फाइव सेक्शन कौन कौन से हैं इसमें तो फाइव सेक्शन जो है इसमें एक तो है अर्थ सबसे फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर का स्काई देखिए सेक्शन का मतलब है कि इसको फाइव पार्ट में यानी फाइव सेक्शंस में डिवाइड किया गया है तो सबसे पहले सेक्शन में अगर हम बात करें तो अर्थ के बारे में पॉइंट सबसे ज्यादा बात करेगा यानी अर्थ के बारे में पूरे सेक्शन में बात की गई है सेकंड में स्काई के बारे में बात की गई है थर्ड में सी एंड ऑशन की बात करता है यहाँ पर और फोर और फाइव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉइट जो है अपने पर्सनल नोट पर्सनल नोट की बात करता है यानी कि अपनी जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को ऐड करता है यहाँ पर ठीक है इसके बाद बात करते हैं वेस्टवेंट किसका सिंबल है तो वेस्टवेंट जो है पावर एंड रिवोल्यूशन एक क्रांति लाती है वेस्टवेंट ठीक है इससे क्या होता है ये एक तरह से बहुत अच्छे तरह से काम करती है और ये हमने ऊपर देखा था कि ये एक तरह से डेस्ट्रॉय भी है प्रिजर्वर भी है ठीक है तो वेस्टवेंट क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन लाती है और इसकी बात करें अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात हम करें तो यहाँ पर सिमिली और मेटाफर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सिमिली और मेटाफर का यूज यहाँ पर किया गया है ठीक है और आगे बात करें टोन की बात करें तो पैसिमिस्टिक टोन यानी पूरी पोएम में पैसेमिज्म आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो शैले जो है एक रिवॉल्यूशनरी पॉइंट है साथ में एक पैसेमिस्टिक पॉइंट भी नहीं माना जाता है तो इनकी पूरी पोएम में हमें पैसेमिस्ट देखने को मिलेगा ऑट टू द वेस्ट विंड है लेकिन बात करें एंड ऑफ द पोएम की तो ऑप्टिमिज्म हमें देखने को मिलेगा एंड ऑफ द पोएम में थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी बातें यह है करते हैं ठीक है जैसे कि लास्ट लाइन अगर हम इसके देखिए इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड ठीक है if वन विंटर कम्स के यानी स्प्रिंग भी फार बिहाइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी, कभी तो सुनी होगी इस लाइन को ठीक है इफ विंटर कम्स यानी सर्दियाँ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि बसंत भी दूर नहीं है ठीक है बसंत भी आने ही वाली है इसका मतलब विंटर क्या होता है विंटर इज अ सिम्बल ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस यानी दुख का प्रतीक यदि जीवन में दुख आ रहे हैं तो इसका मतलब खुशियाँ भी आने वाली है ठीक है तो एक कोइन होता, होता है ना उसके डबल साइड होते हैं यानी सिक्के के दो पहलू होते हैं अगर जीवन में खुशियाँ हैं तो दुख भी आने वाले हैं यानी दुख भी आएंगे ऐसा नहीं है कि जीवन में हमेशा ही खुशियां रहेंगी कभी ना कभी तो दुख भी आएंगे और यदि दुख है जीवन में तो इसका मतलब है कभी ना कभी खुशियां भी आएंगी ठीक है इतना ही है। ये इंट्रोडक्शन था इसके बारे में आगे हम स्टेंजा की बात करेंगे ओके गाइस सो स्टेंजा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ओ वाइल्ड वेस्ट वेस्टमेंट यहां पर पोइट जो है किसको एड्रेस कर रहा है वाइल्ड वेस्ट वेस्टवेंट यानी वाइल्ड इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जंगली है जंगली जो वेस्ट साइड से चलने वाली विंड है यानी पश्चिमी पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वहां से चलने वाली जो विंड है उसके लिए कह रहा है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीम यहाँ पर जो दाऊ है दाऊ जो है यहाँ पर किसके लिए आ रहा है ये आ रहा है वेस्ट विंड के लिए ठीक है वेस्ट विंड के लिए आ रहा है यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको दाऊ का यूज़ होगा इस पोम में ठीक है इस पोम में जहाँ पर भी दाऊ का यूज़ होगा जैसे यहाँ पर है तो दाऊ का जहाँ पर भी यूज़ होगा वो किसके लिए होगा वेस्ट विंड के लिए होगा इतना याद रखना है आपको दाऊ मीन्स क्या होता है यू दाऊ का मतलब क्या होता है यू ठीक है दाऊ मतलब होता है यू और ये एक आर्केक फॉर्म है ठीक है आर्केक एक वर्ड्स हैं आर्केक वर्ड्स होते हैं जैसे आर्ट दाऊ डॉस्ट डॉज हैथ है ना तो ये सारे आर्केक वर्ड्स होते हैं जो लिटरेरी टर्म्स में यूज किए जाते हैं ठीक है सो दाओ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बींग ब्रेथ यानी होता है तुम क्या हो uh, आत्मा हो ब्रेथ यानी होता है स्पिरिट यानी तुम आत्मा हो ऑफ ऑटम्स बींग ऑटम यानी होता है पतझड़ ऋतु उसके बींग यानी उसके लाइफ की उसके जीवन की बींग मीन्स होता है लाइफ ठीक है तो तुम पतझड़ के जीवन की क्या हो आत्मा हो किसके लिए कह रहा है पोइट वाइल्ड वेस्टविन से कह रहा है कि तुम क्या हो तुम ब्रेथ हो तुम आत्मा हो किसके जीवन की पतझड़ के जीवन की अब आगे कह रहा है पॉइंट कि दाउ तुम फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस अब यहाँ पर अनसीन प्रेजेंस क्यों कहा गया है अनसीन प्रेजेंस देखिए अनसीन प्रेजेंस जो है यहाँ पर इसीलिए कहा गया है क्योंकि विंड को हम देख नहीं सकते क्या आप देख सकते हैं नहीं तो हम नहीं देख सकते इसीलिए अनसीन कहा है इसके लिए ठीक है कि तुम जिसकी अ अनसीन प्रेजेंस यानी तुम्हारी जो अदृश्य उपस्थिति है उससे क्या होता है कि दो लीव्स डैड हैं द लीव्स डैड यानी जो मृत पत्तियाँ हैं लीव्स डैड यानी मृत पत्तियाँ यानी कि जो मुरझाई हुई जो आ, सूखी हुई मुरझाई हुई सूखी हुई जो पत्तियां हैं उनको क्या होता है ड्राइवन यानी उनको ले जाया जाता है यानी होता है ले जाया जाना है ना तो उन पत्तियों को तुम क्या करती हो ले ले जाती हो जब क्या होता है वेस्ट विंड यानी जब हवा चलती है तेज गति से जब हवा चलती है तो क्या होता है सूखी जो पत्तियां होती है जो पतझड़ के समय आपको पता है ऑटम सीजन एक ऐसा सीजन होता है जिस समय सारे पत्ते झड़ने लगते हैं पतझड़ ठीक है इसीलिए ही उसको पतझड़ नाम दिया गया है तो सारे पत्ते झड़ने लगते हैं तो वो क्या करती है वेस्टवें उन सारे पत्तों को उड़ाकर उनको क्या करती है डिस्ट्रॉय कर देती है ठीक है हमने पहले पढ़ा था कि जो वेस्ट वेस्टविंड सिंबल ऑफ जो है प्रिजर्वर एंड डेस्ट्रॉयर उसका सिंबल है ठीक है तो किसको डेस्ट्रॉय करती है वेस्ट वेस्टवें डेस्ट्रॉय करती है जो मुरझाई हुई जो सूखी हुई पत्तियां जिनका इस अर्थी यानी अर्थ क्या इस धरती पर जिनका कोई इस... मतलब नहीं है उनको क्या करती है ये डिस्ट्रॉय कर देती है और प्रिजर्व किनको करती है जो नए नए बीज हैं जो सीड्स होते हैं उनको क्या करती है ये बचा के रखती है ताकि वो क्या कर सके वो अंकुरित हो सके ठीक है तो देखते हैं शुरू से देखते हैं एक बार और ओ वाइल्ड विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बींग तुम क्या हो ब्रेथ यानी आत्मा हो किसकी ऑटम यानी पतझड़ के बींग यानी जीवन की उसके जीवन की तुम आत्मा हो दाउ फ्रॉम हूज अनसीन प्रेजेंस तुम जिसकी अदृश्य उपस्थिति से द लीव्स लीजेड जो मृत पत्तियां हैं यानी मुरझाई हुई जो पत्तियां हैं आर ड्राइवन उनको ले जाया जाता है लाइक घोस्ट जिस प्रकार अब लाइक यहाँ पर आ गया और पूरी लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है कौन बताएगा देखिए आप सभी को बताएं कौन सा फिगर ऑफ़ स्पीच है यहाँ पर सिमिली ठीक है कौन सा है सिमिली तो यहाँ पर सिमिली जो है फिगर ऑफ़ स्पीच है लाइक उसी प्रकार तुम किस प्रकार ले जाती हो पत्तियों को जिस प्रकार की घोस्ट फ्रॉम एन एनचांटर फ्लिंग एनचांटर यानी होता है मजीशियन यानी जादूगर होता है जिस प्रकार क्या करता है भूत प्रेतों को ले जाता है फ्लिंग यानी ले जाता है उसी प्रकार एनचांटर का यहाँ पर कंपेरिजन किससे किया गया है वेस्टविंड से जिस प्रकार वेस्टविंड किसको करती है वेस्ट विंड ले जाती है किसको पत्तों को जो लीव्स हैं वो तो हो गया घोस्ट एंड वेस्ट विंड किसका सिंबल हो गया एनचांटर का ठीक है तो यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है जैसे सिमिली सिमिली का यूज़ ही कंपैरिजन के लिए किया जाता है ठीक है तो लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचांटर फ्लिंग जिस प्रकार की जो जादूगर होता है एनचांटर यानी एक जादूगर होता है वो क्या करता है कि जो भूत प्रेत होते हैं उनको ले जाता है उड़ाकर उसी प्रकार जो वेस्ट विंड है वो क्या करती है उन पत्तों को जो मुरझाए हुए पत्ते हैं जो बेकार के पत्ते हैं उनको क्या करती है वो ले जाती है ठीक है अब आगे जो है पोइट वो बता रहा है कि जो हमने पढ़ा था पत्तियाँ यानी कि जो पत्तियाँ हैं उनके कलर्स के बारे में बता रहा है कि वो कैसे कलर्स की हैं येलो कलर्स की हैं ब्लैक हैं पैल है एंड हैक्टिक रेड हैक्टिक मीन्स होता है लाइट है ना हैक्टिक मीन्स क्या होता है लाइट रेड लाइट यानी जो डिमली होता है डिमली यानी हल्की लाल रंग की है एंड पेस्टिलन स्ट्राइक एन मल्टीट्यूड्स मल्टीट्यूड्स यानी होता है ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है मल्टीट्यूड्स यानी होता है लोगों का समूह यानी ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है यानी लोगों का जो समूह है किससे स्ट्राइकन यानी जकड़े हुए पेस्टिलंस पेस्टिलंस यानी महामारी ठीक है महामारी जैसे अभी आपने देखा था कोविड पैंडमिक आया था ठीक है तो महामारी से जकड़े हुए जो मल्टीट्यूड से लोगों का समूह है उसकी तरह लग रहे हैं वो ठीक है जो आ, हमने देखा लीव्स जो थी जो मुरझाई हुई पत्तियाँ हैं सूखी हुई पत्तियाँ हैं वो कैसी थी कैसे कलर्स की है येलो है ब्लैक है पैल है एंड हैथिक रेड पैल यानी होता है पीली ठीक है तो येलो है ब्लैक पैल एंड हैक्टिक रेड हल्के लाल रंग की है और ऐसा लग रहा है मानो कि पेस्टेलन स्ट्राइक एंड मल्टीट्यूड्स मानो कि वो महामारी से जकड़े हो लोगों का समूह हो ठीक है अब आगे पॉइंट कह रहा है कि ओ दाऊ अरे तुम हु चैरियो टेस्ट चैरियो टेस्ट यानी कैरीज तुम ले जाती हो ठीक है उस पर जो अर्थ है यानी जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो कब्रिस्तान का इलाका होता है वहां पर तुम क्या करती हो दिंग सीड जो पंखों वाले बीज होते हैं उनको ले जाती हो पंखों वाले बीज इसीलिए हैं क्योंकि वो अभी नए नए उगे हैं अब क्या करती है वेस्ट विंड का, का काम होता है उनको Uh, यानी कि जो जमीन होती है जमीन जो जहाँ पर जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है और उस पर जो ज़मीन होती है उसके अंदर जो होता है ये वेस्ट विंड क्या करती है हवा के जरिए हवा के माध्यम से जो बीज होते हैं नए नए बीज होते हैं उनको क्या करती है जमीन के अंदर सुला देती है ठीक है फिर इसकी बहन आने वाली है अभी थोड़ी देर बाद स्प्रिंग दैट इज़ स्प्रिंग ठीक है तो ओटम की बहन आने वाली है अभी स्प्रिंग और वो क्या करेगी स्प्रिंग यानी स्प्रिंग आएगी और फिर वो क्या करेगी वो जब स्प्रिंग चलेगी तो उस समय क्या होगा कि वो जो इसने जो काम किया था ना बीजों के साथ यानी बीजों को ज़मीन के अंदर सुलाने का तो उसके बाद वो आती है और उनको उठा देती है जब वो जमीन के ऊपर आते हैं तो वो क्या होते हैं अंकुरित हो जाते हैं ठीक है थीके? तो ये काम कौन करती है स्प्रिंग करती है ठीक है तो आगे देखते हैं कि तुम क्या करती हो तुम चैरियोटेस्ट यानी कैरीज तुम ले जाती हो टू द डार्क विंट्री बैड तुम्हारे ठंडे अंधकारपूर्ण बिस्तर की तरफ किसको ले जाती हो द विंग्ड सीड जो पंखों वाले बीज हैं उनको तुम ले जाती हो वेयर दे लाइज जहां पर वे पड़े रहते हैं कोल्ड यानी ठंडे एंड लो यानी निम्न होकर ठंडे और मृत होकर जिस प्रकार आपने देखा होगा आगे आ रहा है ईच लाइक कॉप्स और प्रत्येक यानी ईच यहाँ पर किसके लिए आ रहा है ईच यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो विंग्ड सीड्स है विंग्ड सीड्स के लिए यूज हो रहा है ईच और ईच लाइक यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है इसमें हम देख सकते हैं इसमें सिबली का यूज़ किया गया है ठीक है तो ईच यानी जो प्रत्येक बीज है लाइक अ कॉप्स वो एक किसके समान है किस एक शव के समान है कॉप्स आपने देखा होगा एक डेड बॉडी की तरह है ना कॉप्स यानी होता है शव जो होता है डेड बॉडी होती है विद इन इट्स ग्रेव अपनी कब्र में ग्रेव यानी अपनी कब्र में क्या होता है पड़ी रहती है उसी प्रकार क्या होता है ये जो बीज होते हैं ये भी क्या होते हैं ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं तब तक पड़े रहता है जब तक कि स्प्रिंग नहीं आएगी ठीक है तो ईच यानी प्रत्येक जो बीज है लाइक अ कॉप से एक शव के समान विद इन इट्स ग्रेव अपनी ही कब्र में क्या रहता है पड़ा रहता है अंटिल तब तक कब तक रहता है डाइन तब तक जब तक कि तुम्हारी डाइन मीन्स होता है योर्स दाइन मीन्स क्या होता है दाइन का मतलब होता है योर्स तुम्हारी जो एज्योर एज्योर यानी होता है आ, जो ब्लू यानी नीले आकाश में बहने वाली एजियोरियन ही होता है दैट ब्लो इन ब्लू स्काई जो नीले आकाश में बहने वाली जो तुम्हारी सिस्टर है जो बहन है ऑफ द स्प्रिंग जो कि कौन है स्प्रिंग ठीक है स्प्रिंग सीजन जो है तुम्हारी बहन है शैल ब्लो वो क्या करेगी बजाएगी ब्लू मीन्स बजाएगी तब तक तुम पढ़े रहते हो जब तक कि तुम्हारी बहन जो है वो बजाएगी हर क्लेरियन अपने क्लेरियन नामक जो म्यूज़िकल uh, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो क्लैरियन है क्लेरियन किसके लिए यूज़ हुआ है ये जो क्लेरियन है ये एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ हुआ है कि जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी कि तुम बजाओगी तुम्हारी जो मतलब स्प्रिंग जो है वो क्या करेगी बजाएगी अपने क्लेरियन को अपने जो म्यूज़िकल uh, इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाएगी ओवर द ड्रीमिंग अर्थ जो स्वप्नशील अर्थ है यानी जो पृथ्वी है ऐसी जहाँ पर स्वप्न देखने वाले लोग रहते हैं इसलिए ड्रीमिंग अर्थ कहा गया है तो उस जो ड्रीमिंग अर्थ है उसके ऊपर जो है वो बजाएगी और फिर क्या होगा ये सारे जितने भी जो सीड्स जो थे जो जमीन के अंदर दफन हो गए थे ये क्या होगा ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा और ये जो है फर्टाइल हो जाएंगे और ये बाहर निकल के जो है अंकुरित तो हो जाएंगे आगे पॉइंट कह रहा है कि जो स्प्रिंग है जब वो आएगी तो वो क्या करेगी क्लैरिन को बजाएगी ड्रीमिंग अर्थ पे और वो क्या करेगी फिल यानी भर देगी फिल मींस होता है भरना तो वो भर देगी विद लिविंग ह्यूज ह्यूज मींस कलर्स है ना तो बहुत अच्छे यानी लिविंग यानी जो जीवंत है जीवंत कलर से क्या कर देगी भर देगी एंड ऑर्डर्स और ऑर्डर्स मीन्स होता है फ्रेगरेंस और फ्रेगरेंस से भर देगी किसको प्लेन एंड हिल्स जो मैदान है और जो पहाड़ है उनको वो क्या करेगी भर देगी ठीक है रंगों से खुशबुओं से क्यों कैसे देखिए स्प्रिंग सीजन क्या होता है जब भी आती है तो अपने साथ जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं आपने देखा होगा हर जगह हरियाली रहती है ग्रीनरी रहती है और हर जगह जो फूल है खिलते रहते हैं नीचे बिखरे हुए रहते हैं खुशबू चारों तरफ फैली रहती है एक खुशनुमा माहौल रहता है रंगीन माहौल रहता है इसीलिए वो कह रहा है कि वो भर देगी विद लिविंग ह्यूज जो है जीवंत रंगों से एंड और जो फ्रेग्रेंस है उससे भर देगी प्लान एंड हिल्स जो मैदान है और पहाड़ है उनको वो भर देगी ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं जो ये लाइन थी ब्रैकेट में जो लाइन दी गई है ड्रीविंग ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर ठीक है ड्राइविंग मीन्स होता है कि ले जाना ठीक है जिस प्रकार की जो स्वीट बर्ड्स हैं जो मधुर कलियाँ हैं उनको जिस प्रकार ले जाया जाता है ठीक है जिस प्रकार ये स्प्रिंग क्या करेगी अभी जो बर्ड्स हैं जो कलियाँ थी जो अभी नई नई कलियाँ थी जो अभी खिली नहीं है ठीक है वो कलियाँ जमीन के अंदर बीज के रूप में थी और उन कलियों को वो ले आती है ऊपर यानी ऊपर जब आती हैं तो वो क्या होता है अंकुरित हो जाती है कलियों के रूप में आ जाती है तो उसी प्रकार क्या होता है कि जिस प्रकार लाइक like यहाँ पर दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से सिमली है सो लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर जिस प्रकार फ्लॉक्स फ्लॉक्स यानी होता है कि जो फ्लॉक्स uh, जो होता है ये क्या होता है एक हर्ड होता है, है समूह होता है किसका जो मवेशी होते हैं यानी ग्रुप ऑफ शीप uh, हम कह सकते हैं एक तरह से जो भेड़ होता है उनका ग्रुप होता है जिसको कि मवेशी जिसको कि जो कौन लेके आता है शेफर्ड होता है यानी कि जो शेफर्ड जो होता है चरवाहा जो होता है जिस प्रकार की आपने देखा होगा जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपनी शीप को जो होता है वो क्या करते हैं उनको ले आते हैं ओपन एयर में खुले वातावरण में उनको चराने के लिए ले आते हैं उसी प्रकार क्या होता है कि जो ये आ, आ, स्प्रिंग थी ये स्प्रिंग क्या होता है जब स्प्रिंग आती है तो क्या होता है ये मधुर कलियाँ जो होती हैं उनको भी ऊपर ले आती है और खुले वातावरण में ले आती है उनको ठीक है इस तरह से इसके बाद जो है वाइल्ड स्प्रिट विच आर मूविंग एवरीवेयर यहाँ पर पोइट कह रहा है कि वाइल्ड स्प्रिट ओ वाइल्ड स्प्रिट तुम क्या हो तुम मूविंग हो एवरीवेयर तुम हर जगह घूमती रहती हो हर जगह विद्यमान रहती हो हर तरफ चलती रहती हो डेस्ट्रोयर एंड प्रिजर्वर तुम डेस्ट्रोयर भी हो तुम प्रिजर्वर भी हो हियर ओ हियर अरे सुनो अरे सुनो ठीक है तो आई विश कि आपको ये फर्स्ट स्टेंजा फर्स्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा सो so आगे के स्टेंजा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए ठीके? Thank you so much.